हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने कंप्यूटर में एक नया यूजर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए टिप्स स्टार्ट करते हैं। एक नया यूजर अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेन्यू बार पर क्लिक करना है। मेन्यू बार में जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, अब आपको मैं बताती हूँ कि इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है मैनेज अनदर अकाउंट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको नाम दे देना है। जैसे कि मैं आपको इस पर कोई भी नेम दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। मैं इस पर जब इंटर पर क्लिक करूँगा क्रिएट अकाउंट पे, तो ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पे अकाउंट आ चुका है कंप्यूटर पे, ये देखिए। इस अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्रिएट अ पासवर्ड, चेंज द पिक्चर, चेंज द अकाउंट टाइप, डिलीट द अकाउंट। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं इस अकाउंट को। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपको इस अकाउंट पे पासवर्ड लगाना है तो यहाँ पे क्रिएट अ पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पे आप कोई भी हिंट देते हैं, आप हिंट भी दे सकते हैं। जैसे अगर आप कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ पे आपकी हिंट लिख कर आएगा, उससे आप पासवर्ड को याद कर सकते हैं और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मेरा पासवर्ड बन चुका है, तो मैंने हिंट दे देता हूँ। पहले मैंने कोई भी हिंट दे दी है, जैसे मैं फिर इंटर कर दूँगा, ये पासवर्ड मेरा बन चुका है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज द पासवर्ड पर क्लिक करना है। अगर पासवर्ड बताना है तो रिमूव द पासवर्ड पर क्लिक करना है। अब अगर आपको इस आइकन को, इस पिक्चर को चेंज करना है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। चेंज द पिक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी पिक्चर आपको ले लेनी है। मैंने ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ मैंने, और चेंज द पिक्चर पे क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं मेरी पिक्चर चेंज हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अकाउंट कहाँ से आएगा। देख सकते हैं मैं मेन्यू बार में गया, यहाँ पे क्लिक करें। जब हमें शट डाउन के बगल में जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको स्विच यूज़र पे क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको करके। मैंने यहाँ पे स्विच यूज़र पे क्लिक करा तो मेरा ये यूज़र जो है, यूज़र अकाउंट जो मेरा था वो लॉग आउट हो चुका है। देखिए मेरे तो सारे अकाउंट, जब आप इस कंप्यूटर को खोलेंगे तो आपको किस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपको कौन से अकाउंट में खोलना है। तो देखिए मुझे ये वाले अकाउंट में खोलना है, तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड मेरा। अगर आपको बैग जाना दूसरे पे खोलना गलती से आपको ये लग गया तो स्विच यूज़र पे क्लिक करके तो किसी और अकाउंट पे जा सकते हैं, लेकिन अभी हमको इसी पे जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ पासवर्ड मेरा। ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। जब मैं इंटर पे क्लिक करूँगा तो ये वेलकम लिख कर आएगा। मैं अब आपको दिखा देता हूँ प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। देखिए मेरा डेस्कटॉप ओपन हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए। तो देखिए अब मेरा ये दूसरा जो मेरा था अकाउंट वो ओपन हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेन्यू में मेरा दूसरा अकाउंट खुल चुका है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।